गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम चैप्टर 7 में हम लोगों ने वेदर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, है ना। इसी 7 चैप्टर्स में आज हम क्या स्टडी करेंगे, मतलब इन्हीं वेदर्स और क्लाइमेट्स का इफेक्ट, इनके क्लाइमेट्स का इफेक्ट फ्लोरा एंड फौना के ऊपर कैसे होता है। फ्लोरा का मीन्स होता है प्लांट्स और फौना का मीन्स होता है एनिमल्स। इसका मीन्स होगा प्लांट्स और इसका मीन्स होगा एनिमल्स, ठीक है। सो आज इसके बारे में स्टडी करते हैं कि मतलब इनका इफेक्ट, जैसे कुछ जो हमारे जो रीजन्स है हमारे अर्थ के, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है कोल्ड, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है ना, जो पोलार रीजन है, तो वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होने की वजह से वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट डिटरमाइन, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हमारी क्या क्या होती है, वाटर हो गया, सनलाइट्स हो गए, हीट, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इट कैन ग्रो रीजन, वहाँ के वाटर, सनलाइट्स, हीट, वो जिसके ऊपर डिपेंड्स क्या होती है, किस क्लाइमेट के, कौन से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन से वेजिटेशन क्या होगी, ग्रो होगी, ठीक है, और कौन से रीजन में ग्रो होगी। द फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर्स एंड हैबिट विच इनेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि किस कोई भी फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उनके फ्यूचर्स हो गए या फिर उनकी हैबिट्स को ले लो, तो वो क्या करते हैं उस ऑर्गेनिज्म दैट बेटर फिटेड, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फिटेड होता है, उसकी जो ब्रीडिंग हैबिट होती है, फीडिंग हैबिट होती है, किस वे में होगी, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स भी डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे पोलार रीजन। पोलार रीजन कौन सा रीजन होता है, पोलार रीजन आर कवर्ड विथ स्नो। जो पोलार रीजन होता है पूरा किसे कवर्ड होता है, स्नो से, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्नो होता है, पूरा रीजन जो होता है वो इसी से क्या होता है, कवर अप होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इट इज़ अ वेरी कोल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे मतलब ऑलमोस्ट जो ईयर का जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड रीजन ही होता है। इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर होता है इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में स्पेशली पोलार रीजन का टेम्परेचर -37 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कितना होता है, मतलब -37 तक पहुंच जाता है इन द विंटर सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर और मतलब विंटर सीजन के दौरान यहाँ पे सन राइजेस भी नहीं होता है, मतलब सूरज की जो रोशनी जो यहाँ पे हो निकलती है, जैसे हमारे इंडिया में तो मतलब सूरज सर्दियों में भी निकलता है, गर्मियों में भी निकलता है, पर यह है कि गर्मियों का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, मतलब समर सीजन में काफ़ी हाई हो जाता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, पर यहाँ इस पोलार रीजन में तो विंटर सीजन्स के अंदर जो सनलाइट्स होती है वो पहुँचती ही नहीं है, मतलब सनराइजेज ही नहीं होता यहाँ पे। इसके अलावा When the sunshine, it is very low intensity. और अगर कभी अगर ऐसा होता भी है कि अगर सन मतलब सूरज की रोशनी वहाँ पर आती भी है तो बहुत ही कम मतलब इंटेंसिटी की वो लाइट होती है, इतना मतलब उसका जो हीट जो क्या बोल सकते हैं उसको, टेम्परेचर जो बोलते हैं उसका क्या होता है, बहुत ही कम होगा, ठीक है। इवन इन अ समर सीजन में टेम्परेचर वहाँ का यहाँ के अकॉर्डिंग टू मतलब हम इंडिया का देखें तो इंडिया के अंदर समर सीजन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, अबाव मतलब 40 के अबाव, 30, 35, 37, 36 यहाँ तक का हमारा टेम्परेचर रहता है, या फिर उससे ज़्यादा भी होता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन पोलार रीजन्स के अंदर समर सीजन में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक ही वो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ तक रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर थ्रू आउट द ईयर मतलब ईयर का काफ़ी पार्ट तो क्या होता है, कोल्ड ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अब यहाँ के जो एनिमल्स होंगे, अब इतने कोल्ड क्लाइमेट में जैसे हमारे जो इंडिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली जो भी एनिमल्स है वो क्या होते हैं, वो ऐसे सीजन में अगर उन्हें अगर ऐसे रीजन में अगर शिफ्ट किया जाए तो शायद वो वहाँ पर इतने टाइम मतलब वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ इस पोलार रीजन में कुछ स्पेशलिस्ट क्या है एनिमल्स है जो वो क्या करते हैं वहाँ पर सर्वाइव करते हैं इतने कोल्ड क्लाइमेट में, और वो रीजन वो एनिमल्स है जैसे पोलार बियर हो गया,
पेंगुइन्स हो गया, साइबेरियन क्रेन्स होंगे, ये क्या है, कैसे रीजन में ये क्या करते हैं, मतलब ऐसे पोलार रीजन में ये ऐसे वहाँ के क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से मेडअप होती है कि वो उस क्लाइमेट्स में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे पोलार रीजन के अंदर सबसे पहले हम क्या कौन सा एनिमल्स लेंगे, पोलार बियर। पोलार बियर के बारे में हम स्टडी करते हैं। पोलार बियर्स क्या कौन सा क्या है, पोलार बियर्स आर परफेक्टली एडेप्टिव टू लाइव इन अ कोल्ड एनवायरमेंट्स ऑफ द आर्कटिक पोलार रीजन। जो पोलार बियर होता है ये एक परफेक्टली एनिमल्स है जो पोलार रीजन के जो ऐसे कोल्ड क्लाइमेट्स में अपने आप को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और कौन से रीजन में, जैसे आर्कटिक पोलार रीजन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पोलार बियर्स ही देखने को मिलेंगे, इन द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर। ठीक है, पोलार बियर्स अब उस वो जो ऐसे जगह जो एनिमल्स है वहाँ पे कैसे एडेप्टिव कर सकता है कि इसके इसके कुछ क्या है फीचर्स है। जैसे पोलार बियर्स है वह टू थिक लेयर, उसकी जो बॉडी जो होती है वो दो ठुक मतलब टू लेयर से मतलब बनी हुई होती है, जो काफ़ी क्या होती है मोटी उसकी लेयर होती है। ठीक है, और अंडर द स्किन उसकी और लेयर ऑफ फर अंडर द स्किन कॉल्ड द ब्लबर, उसकी जो पूरी जो लेयर होती है दो जो लेयर होती है बहुत ही मोटी और फर से बनी हुई होती है, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलेंगे। ठीक है, उसी के अलावा पोलर्स भी है वह वाइट कलर फर, उसकी जो बॉडी होती है पूरी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वाइट कलर के पूरे फर्स क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। इसी के साथ साथ इट जिसकी वजह से मतलब स्नोवी रीजन है, मतलब स्नोवी एरिया है, उसके साथ साथ पोलार बियर की बॉडी भी वाइट इन कलर की होती है, जिसकी वजह से मतलब पोलर उस रीजन में इजीली उसको क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब इजीली विजिबल नहीं कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि स्नो भी उसी कलर के होते हैं और उसकी बॉडी भी क्या होती है उसी कलर की, क्या वाइट इन कलर की क्या होती है, मेडअप अप होती है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, इट ऑल्सो हेल्प देम कैचिंग देयर प्री, जिसकी वजह से ये अब उसकी बॉडी का कलर स्नो का कलर सेम होने की वजह से वो अपने आप को किससे, प्रीडेटर्स मतलब अलग तरीके के जो उसको मतलब प्रीडेटर्स का मींस मतलब वो होता है जो आने वाले जो खतरे होते हैं उसके सामने, जो मतलब जो भी क्या बोल सकते हैं डेंजरस जो चीज़ें उसके लिए होती है उससे क्या कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। और इसी के साथ साथ वो और अपना मतलब अपना जो जो कैचअप करने का जो फूड होता है, किसी एनिमल्स को पकड़ता है जो भी मतलब एज अ फूड अपना रहता है तो वो उससे इजीली क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। एक और थिंग, पोलार बियर जो होता है काफ़ी अच्छा गुड स्विमर होता है, वो काफ़ी वक्त तक वाटर के अंदर रह भी सकता है, वाटर में स्विम भी कर सकता है। और इसी के साथ साथ इसके जो फूड्स होते हैं काफ़ी क्या होते हैं, ब्रॉडली होते हैं, जिसकी वजह से इजीली वो स्नोवी एरिया में क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा पोलार बियर्स हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। अब इसी के साथ इतने सारे फीचर्स के साथ एक और फीचर इसमें पाया जाता है, उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है काफ़ी क्या होती है, गुड होती है, जिसकी वजह से वह मतलब अपने आसपास की और मतलब अपने कम से कम 1.6 किलोमीटर तक की जो भी मतलब डिस्टेंस पे जो भी रहेगा उसे क्या कर सकता है, वो 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अपने जो मतलब जो भी प्रीडेटर्स से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, या प्री वो जो वो भी कैच करेगा उसे इजीली कर सकता है। ठीक है, अब इसी के अंदर लास्ट एक और एनिमल्स आता है, वो है पेंगुइन। क्या है पेंगुइन, तो आप सभी को पता है पेंगुइन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेंगुइन का क्या है, पेंगुइन भी जो होता है वो भी क्या करता है, ऐसे ही पोलार रीजन्स के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ये भी ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोल्ड क्लाइमेट रीजन में एडेप्टेबल एनिमल्स हैं। ठीक है, द पेंगुइन इज मोस्टली फाउंड इन अंटार्कटिक रीजन। पेंगुइन जो होते हैं ज़्यादातर अंटार्कटिक रीजन्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दे शो अ नंबर ऑफ एडेप्टेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। एज डिटेल बिलो टू सर्वाइव इन सच कोल्ड क्लाइमेट, जिसकी वजह से क्या होता है, दे शो अ नंबर ऑफ एडेप्टेशन, बहुत सारे अलग अलग इसके भी क्या है एडेप्टेशन फीचर्स है।
ठीक है। आफ्टर चिक्स इसमें क्या है, द ब्लैक कलर फीतर, इसकी जो आप लोगों ने पेंगुइन्स की बॉडी देखी होगी कि बैक साइड जो होता है उसका क्या होता है, पूरी ब्लैक इन कलर की बॉडी होती है, और फ्रंट साइड में इसकी बॉडी क्या होती है, वाइट इन कलर की होती है। तो बैक साइड में जो इसकी बॉडी जो ब्लैक इन कलर की होती है, उससे क्या होता है कि जैसे भी सन जितनी बहुत भी वहाँ पर सनलाइट्स की सनलाइट्स फॉल्स होती है, वो क्या करते हैं उनकी बॉडी को क्या करती है, जैसे उनकी बॉडी को टच होती है तो उनकी बॉडी क्या करती है, उस सनलाइट्स को क्या करती है, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि जो पीछे की जो बैक बैक की उसकी वो क्या है, ब्लैक इन कलर की है, और ब्लैक कलर जो होता है वो सनलाइट क्या करता है, काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो जिसकी वजह से वो डार्क कलर होने की वजह से बॉडी क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और फिर अपने उसकी खुद पूरी बॉडी को क्या रखती है, वार्म रखती है, मतलब गर्म रहती है जिसकी वजह से। तो ये हो गया। और जिस तरीके से पोलार बियर एज अ गुड स्विमर, उसी तरीके से पेंगुइन ऑल्सो अ गुड स्विमर। पेंगुइन भी काफ़ी अच्छा मतलब स्विमिंग करता है, वो काफ़ी टाइम तक वो क्या करता है, वाटर बॉडी में रह भी सकता है, वॉक भी कर सकता है, और इजीली स्विम भी कर सकता है। ठीक है। पेंगुइन्स लव टू लाइव इन कम्युनिटी। और पेंगुइन्स जो होते हैं वो सभी क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक कम्युनिटी बना करके रहते हैं, और बड़े ही प्यार से रहते हैं। विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम प्रीडेटर्स लाइक द वॉलरस और सी लायन, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रीडेटर्स जैसे वॉल्वस और सी मतलब सी लायन जैसे एनिमल से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और एनिमल से वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो होता है वो क्या है, एक माइग्रेटिंग बर्ड से जो साइबेरिया से इंडिया तक क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है, मतलब माइग्रेट करता है। कैसे करता है, जब वहाँ का कोल्ड रीजन होता है तो वो वार्म रीजन की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है। तो जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम द सिबेरिया, कहाँ से आते हैं, वो सिबेरिया से आते हैं, टू द प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान। राजस्थान में तो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं वहाँ पर देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सुल्तानपुर इन हरियाणा, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में भी साइबेरियन क्रेन्स क्या होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है। ये क्यों ट्रैवलिंग करते हैं, ये अपने मतलब ब्रीडिंग हैबिट के लिए, फीडिंग हैबिट के लिए क्या करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट से वार्म क्लाइमेट की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स जो उसके क्या करता है, मतलब फैट्स जो होती है उसके फैट्स के क्या करता है, एनर्जी एक्यूमुलेट करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ऑल्सो अवॉइड लॉस एंड अवॉइड द प्रीडेटर्स, ये भी अपने आप को काफ़ी हद तक अच्छे से प्रीडेटर से अपने आप को क्या कर सकता है, सेफ कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट्स एंड फ्लोरा एंड फौना, है ना। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय।